पहली न्यूज निकल के आ रही है सिंपल वन की तरफ से और उनके कितने इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी तक सेल हो चुके हैं उसके बारे में हम बात। दूसरी न्यूज की बात करें तो यहाँ पर एक ऐसी बैटरी का इनोवेशन किया गया जो कि ओनली 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी गाइस, 20 मिनट में। तीसरे नंबर की न्यूज की बात करें तो यहाँ पर टीवीएस ने बीएमडब्ल्यू की एक आईसी मोटरसाइकिल और फिर एक इलेक्ट्रिक मोटर रोड भी बनाया है, उसके बारे में बात करेंगे। चौथे न्यूज की बात करें तो मैं आपको बता दूं आपने कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टॉप स्पीड वाले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देखे, पर लेकिन यहां पर हम बात करेंगे पूरे विश्व की सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। आप इमेजिन करके बताइए कमेंट बॉक्स में आपने कितने स्पीड की आपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सुनी है, तो यहां पर हम बात करेंगे। पांचवें नंबर न्यूज की बात करें तो यहां पर रिवोल्ट मोटर्स की तरफ से उनका एक अपडेट और आ चुका है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली न्यूज डिस्कशन कर लेते हैं यहां पर सिंपल एनर्जी की तरफ से सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल्स के लेकर। तो यहां पर हम बता दें कि सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को जून में डिलीवर किया गया था और जून में जो डिलीवरी की गई थी वो ओनली 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर शुरू शुरू में सेल किए गए थे। तो गाइज आप मुझे बता सकते हैं कि भाई 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर उन्होंने स्टार्टिंग में किए थे, वहीं पर जुलाई की बात करें तो जुलाई में उन्होंने सिर्फ 14 इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल किया। गाइज अभी बहुत ही कम संख्या है कि भाई 14 इलेक्ट्रिक स्कूटर, भाई जून में 10 किए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन जुलाई में तो आपको ज्यादा करना चाहिए। क्या कारण है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्या कमी है, आप जो है पूरा बताइएगा। और वहीं पर अगस्त में उन्होंने 13 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है डिलीवर किए हैं। आप ये बताइए कि भाई यार क्या प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रही है, आप जो है जून में 10 दे रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जुलाई में 14 दे रहे हैं ये भी कम संख्या है, और वहीं पर अगस्त में कम दे रहे हैं 13 दे रहे हैं तो वो भी एक कम संख्या है। वहीं पर सेप्टेम्बर की बात करें तो सेप्टेम्बर में एक भी इलेक्ट्रिक स्कूटर उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पर लेकिन गाइज क्या आप भी अब भी सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पर लेकिन उसके लिए भी एक तगड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में 23/10/2023 को लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है रिवोल्ट NX100। ये भी इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी बढ़िया है, पर आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम वहां पे जाने वाले हैं तो उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। पर लेकिन आप ये इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों डिलीवर नहीं किए जा रहे हैं, आप भाई मीडिया में आके बताइए कि भाई इस प्रकार से हम जो है डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज यार क्लियर कीजिए। आपके पास में काफी कस्टमर है जो से आप जुड़े हुए हैं, काफी 2 साल हो गए तब से जुड़े हुए हैं यार, उनका फ्रस्ट्रेशन जो है लेवल काफी आगे पहुंच चुका है, वो आपका कैंसिल करके जाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने कैंसिल करके दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर भी ले लिए हैं, पर लेकिन आप जो है इन चीजों को थोड़ा सा ख्याल रखिए कि भाई यार इलेक्ट्रिक स्कूटर को जल्दी से डिलीवर कीजिए, प्रोडक्शन मॉडल आपका तैयार है तो कंप्लीट करके यार जल्दी से डिलीवरी। दूसरे नंबर की न्यूज की बात करें तो यहां पर आप चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक कार लेते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेते हैं, आपको उसकी बैटरी की फुल जानकारी होनी चाहिए, किस केमिस्ट्री की बैटरी होनी चाहिए, NMC की होनी चाहिए, LFP की होनी चाहिए, कौन सी बैटरी जो है अच्छी होती है और कौन सी बैटरी ज्यादा दिन तक चलती है, यह इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से पहले आपको होनी चाहिए। तो हमारे इंडिया में एक ऐसी बैटरी का इनोवेशन हुआ है जो कि ओनली 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी गाइस, 20 मिनट में, ओनली 20 मिनट में। तो यहां पर आती है एक स्टार्टअप बेस्ड कंपनी जिसका नाम है क्लीन इलेक्ट्रिक और इन्होंने अपनी एक बैटरी का इनोवेशन किया है जो बैटरी आपको 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी और इस बैटरी की जो लाइफ साइकिल है वो 3000 साइकिल है और ये जो है वारंटी के साथ में आती है, यानी कि वो 8 साल वारंटी देने वाले हैं गाइज, 8 साल वारंटी दे रहे हैं और वो 3000 बार साइकिल जो चार्ज करेंगे और 3000 बार डाउन कर लेंगे तब आपकी बैटरी जो है पावर रिडक्शन जो देखने को मिला है वो 18% देखने को मिला है गाइज 3000 बार। यानी कि आप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, इलेक्ट्रिक कार है, या इलेक्ट्रिक बाइक है, या इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो भी है, यदि आप चला रहे हो और आप 3000 बार डाउन कर रहे हो, 3000 बार चार्ज कर रहे हो, तो आपका जो पावर रिडक्शन है वो 18% ही देखने को मिला है गाइज, यानी कि 82% आपका पावर फिर भी बचा रहता है, यानी कि आप जो है 10 से 11 साल चला लो तब भी आपका जो है पावर रिडक्शन है वो 82% रहेगा गाइज, बहुत ज़्यादा पावर रिडक्शन है। पर लेकिन इसका कुछ और भी कंडीशन में जैसे कि हीटिंग कंडीशन हो जाती है और कोल्ड कंडीशन हो जाती है, उनमें भी जो रिडक्शन है वो आपका अप डाउन देखने को मिल जाता है, पर ज़्यादा अप डाउन नहीं देखने को मिलता और ये बैटरी आपको IP68 रेटेड देखने को मिलती है। वहीं पर ओला हो गया, सिंपल वन हो गया, एथर हो गया, टीवीएस हो गया, इनमें सभी में जो बैटरी दे रखी है वो IP67 दे रखी है, पर लेकिन ये बैटरी आपको IP68 रेटेड और लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, यानी कि बैटरी, और उन्होंने बताया कि हमारी बैटरी जो है ना वो इलेक्ट्रिक बाइक को भी बनाई गई है, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को भी बनाई गई है और इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी बनाई गई है और इलेक्ट्रिक कार और बसों के लिए भी ये बनाई गई है गाइज, यानी कि वो बता रहा है कि हम सभी के लिए बैटरियां जो है इनोवेशन। तीसरे नंबर की न्यूज की बात करें तो
यहाँ पर टीवीएस ने बीएमडब्ल्यू की आईसी मोटरसाइकिल और एक इलेक्ट्रिक मोटर रोड जो है बना के तैयार किया है और इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया। पार्टनरशिप में जो बेंगलुरु बेस्ड जो हुसूर कंपनी है उसमें बीएमडब्ल्यू की आईसी इंजन की मोटरसाइकिल और जो इलेक्ट्रिक मोटर रोड है उसको बनाया गया है। चौथी न्यूज की बात करें तो यहाँ पर आती है बर्ज की तरफ से। बर्ज टीएस प्रो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। ये मोटरसाइकिल एक फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है और इसकी टॉप स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पर हम बात करते हैं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको टॉप स्पीड प्रोवाइड कराती है। इसका एक्सेलरेशन जो है सबसे ज्यादा फास्ट है, मतलब 0 to 100% जाने में सिर्फ 2.5 सेकंड लेती है गाइस। वहीं पर रेंज की बात करें तो रेंज यहां पर सिंगल चार्ज में आपको एक बार चार्ज करने के बाद में 375 किलोमीटर की आपको रियल वर्ल्ड रेंज प्रोवाइड कराती है। ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। इसके अभी प्राइस इनवील नहीं किए गए हैं पर लेकिन ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 2018 से बनना स्टार्ट हुई है और अब आके जो है बन पाई है। पांचवें नंबर की न्यूज की बात करें तो इस न्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। तो यहां पर है रिवोट मोटर्स की तरफ से उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर के वेरिएंट और उनका कलर जो है ऑप्शन जो है आ चुका है। तो यहां पर हम बात करेंगे, इनमें उन्होंने 7 कलर जो है ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर डुअल टोन में आने वाला है। 280 किलोमीटर की आपको आईडीसी रेंज प्रोवाइड कराने वाला है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टॉप स्पीड प्रोवाइड कराने वाला है। काफी फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है। इसके हम कलर की बात करें तो कलर ऑप्शन आपको व्हाइट और ब्लैक देखने को मिला, रेड और ब्लैक देखने को मिला, नेवी ब्लू ब्लैक देखने को मिलेगा, ग्रे ब्लैक देखने को मिला, सिल्वर ब्लैक देखने को मिलेगा, फुल ब्लैक देखने को मिलेगा और एक मॉर्निंग गोल्ड ब्लैक देखने को मिलेगा। यानी कि 7 कलर आपको देखने को मिलेंगे गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट। पहली न्यूज निकल के आ रही है सिंपल वन की तरफ से और उनके कितने इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी तक सेल हो चुके हैं उसके बारे में हम बात। दूसरी न्यूज की बात करें तो यहां पर एक ऐसी बैटरी का इनोवेशन किया गया जो कि ओनली 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी गाइस, 20 मिनट में। तीसरे नंबर की न्यूज की बात करें तो यहां पर टीवीएस ने बीएमडब्ल्यू की एक आईसी मोटरसाइकिल और फिर एक इलेक्ट्रिक मोटर रोड भी बनाया है, उसके बारे में बात करेंगे। चौथे न्यूज की बात करें तो मैं आपको बता दूं, आपने कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टॉप स्पीड वाले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देखे पर लेकिन यहां पर हम बात करेंगे पूरे विश्व की सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। आप इमेजिन करके बताइए कमेंट बॉक्स में आपने कितने स्पीड की आपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सुनी है। तो यहां पर हम बात करेंगे। पांचवें नंबर न्यूज की बात करें तो यहां पर रिवोट मोटर्स की तरफ से उनका एक अपडेट और आ चुका है, उसके बारे में हम बात करेंगे।